दादा भगवान को दादा भगवान ही क्यों कहते हैं? हाँ, वो पीछे लिखा था दो प्रश्न। दादा भगवान यानी वो एक्चुअली क्या हुआ था, उनका नाम अंबालाल पटेल था और उनको 1958 में ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ तब तो लोग उनको अंबालाल काका बोलते थे। बाद में वो सत्संग भी करते थे, उसके पहले भी, ज्ञान के 58 में होने के पहले, यानी लगभग 30-35 से उनका सत्संग चालू था, 1935 से। ऐसे तो 22 यानी लगभग 1930 से उनका सत्संग चालू हो गया था। और बाद में क्या हुआ कि जब उनको ज्ञान हुआ तो किसी को बताया भी नहीं था। घर पे आए, खुद को आनंद में थे, मोक्ष जैसा सुख था उनका, देह से कंप्लीट भिन्न हो गए थे। मगर उस टाइम पे 4 साल तो किसी को बताया भी नहीं पाए थे और किसी ने पूछा भी नहीं था। और वो बताते थे, मेरे ईगोइज्म इतना ख़त्म हो गया कि कपड़ा बदली कर, कोट टोपी बूट पहनते थे वो भी चेंज करने का ईगोइज्म नहीं था। आओ मैं ज्ञान दूँ, वो भी ईगोइज्म मेरे पास नहीं था। और निमित्त आएगा तो ज्ञान प्रकट होएगा, वो भी कैसे देगा, किसको देना, किस कैसे देना, तो कुछ उनका प्लान नहीं था। वो ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान की दृष्टि मिल गई तो सारी जिंदगी के जितने भी गलतियां थी वो देखना दिखाई देना चालू हो गया, तो सबको धोना चालू कर दिया। तो 4 साल तो दिन रात अपनी गलतियों धो डाली थी। मेन टाइम क्या हुआ, उनके पास उनका भतीजा का लड़का, वो पोता उनको ये दादा बोलता था। अच्छा, तो दादा दादा बोलता हमेशा एम पटेल को, तो वो हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम्स आते थे तो लेके आता था। तो श्रीमद राजचंद्र की किताब लेके आया था वचनामृत, और कुछ प्रश्न पूछे, और जब पूछे तब दादाजी के जवाब निकले, बोलते थे कभी ऐसा आपने आंसर नहीं दिए, तो बहुत अलौकिक आंसर है आपका, आपको ज्ञान होना चाहिए, हुआ होगा दादाजी का, हाँ मुझे ज्ञान हुआ है। बाद में समर्पण हो गया, मेरे मन वचन काया कर्म माया सब आपको शरण में अर्पण करता हूँ, मुझे आपका जैसा ज्ञानी बनाओ। तो फर्स्ट ज्ञान उनको दिया था, और वो आदमी उनको दादा बोलता है, तो कोई बोलते गुरु जी है, दादाजी है, दादा तो भगवान जैसा ही है, तो ऐसे दादा भगवान शब्द आ गया। वो भी 71 में मैं आया था, तभी दादा भगवान शब्द नहीं था उस टाइम पे, वो पीरियड में ही बाद में आया था। अच्छा, उसके पहले तो दादा भगवान गुरु जी, अंबालाल काका गुरु जी ऐसे बोलते थे। वो बताया था, मैं गुरु भी नहीं हूँ, अंबालाल काका भी नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञानी हूँ ऐसे बोलते थे। मगर ज्ञानी कैसे बोले उनको, तो कोई गुरु जी बोलते थे, अंबालाल काका बोलते थे, तो किसी ने बोला नहीं दादाजी है, दादाजी है, तो दादाजी बोलते थे। तो बाद में किसी ने दादा भगवान शब्द बोल दिया, तो दादा खुद बताते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो भीतर वाली आत्मा, वही भगवान है। बाद में उनको बोलना है तो बोलो दादा भगवान, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ। और वो शब्द ऐसे फैल गया कि चेंज हुआ ही नहीं। बहुत ट्राई भी करते थे भाई, दादा भगवान शब्द निकालो, नहीं तो सब लोग को अंतराय आ जाएंगे। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि उससे अलग लगता है कि इनको हम दादा भगवान बोलते हैं, तो मगर वो शब्द तो और गलत हो गया, मगर अभी वो चेंज हुआ ही नहीं बाद में। और उनकी दृष्टि में दादा भगवान, दादा जी की दृष्टि में हमेशा तक मैं दादा भगवान नहीं हूँ, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। मेरी 4 डिग्री कम है, मेरी 4 डिग्री पूरी होगी तो मैं भी दादा भगवान के साथ अभेद हो जाऊंगा। मेरी 4 डिग्री कम है तो मैं भी दादा भगवान की भी भक्ति करता हूँ। तो ये ऐसे अपन हम बोलते हैं कि दादा भगवान ने असीम जय जयकार हो, तो उससे क्या होता है? आप दादा भगवान किसको बोलते हैं? ये टोपी वाले को नहीं, इनके भीतर जो प्रकट हुए थे वो सचमुच दादा भगवान थे। और वो बताते कि मेरे भीतर जो आत्मा है ऐसा आत्मा आपके भी भीतर है, तो आप अक्षय अक्षत भीतर वाले आत्मा की ही डायरेक्ट भक्ति करता है, उसको प्रत्यक्ष भक्ति बोला जाता है। आप दादा भगवान के असीम जय जयकार जब बोलोगे तब आप अंदर वाले भीतर वाले आत्मा की ही भक्ति कर रहे हो। तो शुद्ध आत्मा की असीम जय जयकार हो तो भी पहुंचेगा, मगर आपकी बिलीफ है शुद्ध आत्मा, और दादा भगवान तो एग्जैक्ट जहाँ इनकी बिलीफ है वो उधर ही पहुंचेगा। जैसे चेन्नई बोलेगा तो यहाँ ही पहुंचेगा, बेंगलोर पहुंचे यहाँ ही पहुंचेगा। तो वही नाम से क्या है, वही नाम बोलने से क्या होगा? बोलने से अपनी दृष्टि ही बदलनी है, दृष्टि ही रखनी है कि भीतर वाले आत्मा के, भीतर बैठे हुए दादा भगवान के असीम जय जयकारो। तो वो सिर्फ मन से बोल दिया तो बोलते चलेगा, पर पहुंच दृष्टि, मन तो सिर्फ बोलता ही है, पर आपकी यानी अहंकार की दृष्टि वहां पहुंचनी चाहिए कि मैं आत्मा, जो प्रकट आत्मा है उनको मैं नमस्कार बोलता हूँ, और उसका फल आपको मिलेगा भी। सही, थैंक यू।